Hey my beautiful peoples, welcome back to my channel. I hope all you are doing good and welcome back to another exciting video. So guys, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ये ब्यूटीफुल सा माई एवरी डे समर मेकअप लुक. मतलब मैं समर में किस तरह मेकअप करती हूँ. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, मैंने इस मेकअप में कोई भी फाउंडेशन यूज नहीं किया है. एंड मैं सारा जो मैंने मेकअप प्रोडक्ट्स यूज किया है नया मेकअप प्रोडक्ट से यूज किया है. जैसे कि आपको टाइटल देख के पता लग ही गया होगा, मैंने ज्यादातर नया मेकअप से ही ये लुक क्रिएट किया है. एंड सब कुछ का रिव्यू इस आपको वीडियो में मिल जाएगा. तो हाँ, इस वीडियो को देखने के लिए वीडियो को स्टार्ट कर लेती हूँ. सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. सो गाइज, फर्स्ट मैंने लिया है प्राइमर. एंड प्राइमर के लिए मैंने लिया है ये लैक्मे एब्सोल्यूट का ब्लर परफेक्ट मैट फिनिश प्राइमर. और अपनी टी जोन पे फोकस करते हुए प्राइमर लगा रही हूँ. जैसे कि गाइज मैंने कहा, आई वोंट यूज़ एनी काइंड ऑफ फाउंडेशन. सो इसलिए मैंने लिया है यहाँ पर ये स्विस ब्यूटी का लिक्विड कंसीलर इन द शेड 02 सेंसिबल. और जिस जगह पर मेरे डार्क सर्कल्स और पिगमेंटेशन है बस उसी जगह पर मैं अप्लाई कर रही हूँ. अगर आपका कोई भी पिगमेंटेशन और डार्क सर्कल्स नहीं है देन इस स्टेप को आप स्किप कर सकते हैं. उसके बाद एक ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से ब्लेंड कर रही हूँ. आफ्टर कंसीलर को सेट करने के लिए और मेकअप को एकदम स्वेट प्रूफ रखने के लिए मैंने यहाँ पर ये ब्लू हेवन का लूज पाउडर लिया है. थोड़े टाइम के लिए मैं अपने लूज पाउडर को बेक करने के लिए रख दिया है. उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है ये ब्लू हेवन का परफेक्ट आईब्रो एनहेंसर स्टाइलर पेंसिल इन द शेड डार्क ग्रे. ये बहुत एक अच्छा आईब्रो पेंसिल है गाइस. उसके बाद एक ब्रश की मदद से मैं अपने लूज पाउडर को अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ. नाउ गाइस, आई मेकअप के लिए मैंने यहाँ पर लिया है ये हुडा गर्ल का कलर बोर्ड आई शेडो पैलेट. एंड इसमें से मैंने एक लाइट न्यूड कलर लिया है. एंड उस न्यूड कलर को मैं अपनी क्रीज में अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ. एंड उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है एक न्यूड ऑरेंज शेड. एंड ये बहुत क्यूट कलर है. एंड उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है ये स्विस ब्यूटी का वाटर प्रूफ आई मस्कारा. एक बहुत ही अच्छा मस्कारा है गाइस, यू कैन सी द पिगमेंट. एंड फॉर कंटूरिंग पार्ट मैंने यहाँ पर लिया है ये स्विस ब्यूटी का हाईलाइट एंड ब्रशर पैलेट. ओह शिट गाइस, ये मेरा पैलेट का सर ही टूट गया. हे भगवान, अभी जो भी है मैंने यहाँ पर एक लाइट शेड लिया है फॉर कंटूर. एंड गाइस, ब्लश के लिए मैंने यहाँ पर लिया है ये ब्लू हेवन का लिप टिंट. आप ऐसा चीक पे भी इसे अप्लाई कर सकते हैं फॉर ब्लश. बहुत अच्छा पिगमेंटेशन देता है गाइस. मेकअप के लॉक करने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है ये NYB का मेकअप फिक्सर. इसका क्लिप डिलीट हो गया है गाइस. हाईलाइटेड के लिए भी मैंने ये स्विस ब्यूटी का हाईलाइट एंड ब्रशर पैलेट लिया है. बस थोड़ा सा हाईलाइट करूँगी फॉर अ ग्लो. एंड गाइज, अभी मैं लगाऊंगी लिपस्टिक जो है लास्ट पार्ट मेकअप का. एंड इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है ये लैक्मे एब्सोल्यूट का लिक्विड लिपस्टिक. एंड पॉपएक्सो की तरफ से आया था ग्लैम की तरफ से. एक डार्क कलर एंड लाइट कलर का कॉम्बिनेशन करके लिपस्टिक अप्लाई करूँगी. इससे आपको एक बहुत ही अच्छा एक न्यूड कलर का शेड मिलता है. यू कैन सी गाइज, मेकअप लुक इज कम्प्लीटली कम्प्लीट. आई होप आपको ये मेकअप अच्छा लगा. देन लेट मी इन द कमेंट सेक्शन. आई होप गाइस आपको ये माई एवरी डे समर मेकअप लुक अच्छा लगा. अगर अच्छा लगा प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को और हिट द बेल आइकन. एंड आप लोग बिल्कुल सब्सक्राइब नहीं करते हो गाइस, प्लीज सब्सक्राइब कर दो. क्योंकि मैं 1K के इतनी सी करीब हूँ, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो एंड हिट द बेल आइकन. एंड इफ यू लाइक मी कैन फॉलो मी ऑन माई सोशल मीडिया साइट्स. एंड या आई विल सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन.